हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे, अपने देखेंगे कि आप जीएसटी नील रिटर्न किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में खुद से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेबसाइट लॉगिन कर लिया है। इसके पश्चात यहाँ आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर यहाँ आपको शो हो रहा है फिल रिटर्न्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है जो करंट पहले से सिलेक्टेड है। क्वार्टर आपको सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट करंट सेलेक्ट है, बट यहाँ अपने सितंबर फिल कर रहे हैं तो सितंबर क्वार्टर टू आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया सितंबर। यदि आप जुलाई अगस्त सितंबर फिल करना चाहते हैं जुलाई अगस्त, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सितंबर और सर्च कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे ड्यू डेट है 11/10/2022, अभी तक ये फिल नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पर। नया विंडो आपके सामने खुलेगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आप यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स शो हो रहा है फिल नील GSTR1, आप चेक बॉक्स ओके कर देंगे और इसके बाद आप इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे। इसके पश्चात आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ आप देखेंगे फाइल स्टेटमेंट आपको शो हो रहा है, आप यहाँ पर फिल स्टेटमेंट जो है इस पर आप क्लिक करेंगे, स्टेटमेंट आपका यहाँ फिल हो चुका है। इसके पश्चात यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग फॉर जीएसटी GSTR1 आप चेकबॉक्स क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको चूज का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ डायरेक्ट जो प्रोप्राइटर है उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद में या तो डायरेक्ट आपके ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, अदरवाइज आप एक बार यहाँ रिफ्रेश टैब पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेंगे। इसके बाद में फाइल विद DSC, इसके लिए डोंगल से आपके डिजिटल साइन करने रहते हैं। यहाँ पर फाइल विद EVC आप इस टैब पर क्लिक कर देंगे तो मैं यहाँ EVC आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का विंडो आपके सामने प्रदर्शित होगा, यहाँ पर आप ओटीपी एंटर करेंगे। इसके पश्चात आप यहां पर वेरीफाई टैब पर क्लिक कर देंगे तो ये OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मेल और आपके मोबाइल नंबर पर चली जाती है, वेरीफाई कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने पॉपअप विंडो शो हुई है, यहां पर रिटर्न पीरियड सितंबर फिल सक्सेसफुली। तो दोस्तों, यहां पर आप जो है रिटर्न फाइल कर चुके हैं, जो नील रिटर्न था फिल आप कर चुके हैं। कुछ इस प्रकार से आप GST जो है रिटर्न नील फिल कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में कीजिए शेयर, ताकि आप खुद अपने यहाँ फर्म का GST रिटर्न फाइल कर सकें, वो भी चंद मिनटों में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।